दोस्तों नमस्कार। आज हम आपने जैसा थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा, हम बात करेंगे लंपी स्किन डिजीज़ की, यानी यह वायरल डिजीज़ है। इसको हम कैसे रोकें, कौन कौन से इंजेक्शन लगाएं, कब लगाएं, क्यों फैलती है, इसको हम कैसे नष्ट कर सकते हैं, कैसे अपने पशु को बचा सकते हैं, और अगर हो जाए तो हम कितने दिन ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन कौन से इंजेक्शन लगाना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। लंपी स्किन डिजीज एक वायरल डिजीज है और यह बहुत ही सारे पशुओं में होती है और बहुत नुकसान करती है। इससे क्या होता है, एक पशु धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है और अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो उससे फिर पशु की मौत हो जाती है। यह एक वायरल डिजीज है और यह जब एक जगह फैलती है तो यह दूसरी जगह भी जाती है। ऐसा नहीं एक बस एक गांव में फैल रही है या एक ही जगह रह रही है, एक ही पशु को हो रही है तो इसके पास बंदा दूसरे पशु को नहीं होगी, ऐसा नहीं है। यह जब एक पशु को होती है तो उससे 100-200 किलोमीटर दूर पशु है उनमें भी यह फैलती है, क्योंकि यह एक वायरस है और वायरस को तो आप जानते हैं, एक वायरस कितनी तेज़ी से फैलता है और कैसे फैलता है और कितना ख़तरनाक होता है। यह हमने जहाँ तक मेरा तजुर्बा और रिसर्च के अनुसार यह बीमारी ज़्यादातर गायों में देखने को मिलती है। आपको भी मिले होंगे ऐसे केस, क्या उनके शरीर पर छोटे छोटे गांठें उभर आती हैं पूरे शरीर पर। पहले दिन आपको दिखेगा कहीं कहीं शरीर पर, कहीं यहाँ गांठ लगी, कहीं यहाँ गांठ लगी है, तो लोग क्या करते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि शायद मच्छर काट लिए होंगे या मधुमक्खी काट ली होगी जिससे पशु के शरीर पर चकते आ गए, यानी जिससे पशु के शरीर पर छोटी छोटी गांठें आ गई। वह एक दिन इग्नोर करते हैं, लेकिन सेकेंड दिन जब बारी आती है तो वह गांठें क्या बड़ी हो जाती है, वह बड़ी बड़ी पूरे शरीर पर दिखाई देने लगती, तब जाके उनके माइंड में आता है, वह सोचते हैं कि यह क्या हो गया, अब डॉक्टर को दिखाएंगे। फिर डॉक्टर को नहीं दिखाते, फिर मेडिकल से दवाई लाते हैं और फिर वह खुद घर पे दवाई देके देखते हैं, हो सकता शायद इससे ठीक हो जाए, फिर ठीक नहीं होती और बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर डॉक्टर भी आता है तो वो बोलता है कि आपने बहुत देर कर दी है, अब यह शायद सही ठीक हो, अब यह पकेगी और हो सकता है इसकी डेथ भी हो जाएगी। इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, कुछ नहीं होगा पशु को एकदम से, ज़्यादातर गायों में मिलेगा आपको, वाइट गायों में बहुत ही ज़्यादातर आपको एकदम से दूर से ही दिखाई देंगे, यानी अगर काले गाय होगी तो उस पर आपको कम दिखाई देंगे क्योंकि बाल के हिसाब से, लेकिन अगर वाइट होगी, देसी गाय होगी, वाइट गाय होगी, तो उस पर हमें दूर से ही बड़े बड़े फफोले दिखाई देते हैं। प्रारंभिक अवस्था में फफोले छोटे रहते हैं लेकिन उनका डायग्राम 2 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है, यानी 2 सेंटीमीटर तक इतने बड़े उसके शरीर पर लग जाते हैं, जैसे आपके चित्रों में भी दिखाई दे रहा है। अब ये हो गया, जब ये लग जाते हैं तो पशु खाना छोड़ता है, पशु का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, लेकिन कभी कभी किन किन केस में किसी वजह से टेम्परेचर मिल भी सकता है, लेकिन यूँ तो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। अब ये गांठे हो जाती है, अब जब ये गांठे हो जाती है तो ये जितनी पशु के शरीर के बाहर गांठे आई है इतनी ये अंदर की ओर भी रहती है, यानी जितनी गांठ बाहर निकल के आई है इतना इफेक्ट ये अंदर भी करती है, यानी अंदर दर्द देती है पशु को चमड़ी में, बाहर भी दर्द करेगी और अंदर भी दर्द करेगी, और ये निश्चित सीमा तक ही रहती है कि इसको इतने दिन ही देना। फिर इसके दिन इतने दिन बाद क्या होता है कि ये गांठें पक जाती है, फूट जाती है, फिर इसमें पस आ जाता है, पस आने के बाद फिर वहाँ पर मक्खियाँ बैठने लगती है, फिर कीड़े लग जाते हैं, मैकेट लग जाते हैं, और फिर कीड़े पशु के पूरे शरीर में उतर जाते हैं, पशु की डेथ हो जाती है। तो यह बहुत लंबी सारी प्रक्रिया है। क्या मिलेगा आपको, टेम्परेचर नॉर्मल मिलेगा, छोटी छोटी 2 सेंटीमीटर टाइप की गांठें मिलेगी जैसे आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यह 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगी, कभी कभी पशु इसमें नीचे लेट भी जाता है, और ख़ासकर जो छोटे बछड़े रहते हैं अगर उनमें यह बीमारी आ गई है तो उनकी हर जगह हो जाएगी, योनि में, थन पे, आँख पे, कान पे, हर जगह, मुँह पे इतनी सारी हो जाएगी कि उसका मुँह खुलना बंद हो जाएगा, आँख पे इतनी इतनी हो जाएगी कि उसकी आँख खुलना बंद हो जाएगी, योनि में इतनी हो जाएगी कि पेशाब करने में जलन होने लगेगी, खाने में दिक्कत आने लगेगी, आप उसको चाहे कुछ भी दे देंगे। अगर पशु लंपी स्किन डिजीज़ के कारण ज़्यादा भयंकर स्थिति हो गई, पशु नीचे लेट गया है, तो फिर पशु मर सकता है, पशु को बचाना फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब तक गांठों ने अपना बहुत ज़्यादा असर दिखा दिया होता है और फिर हम उसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, ये सिम्टम्स मिलेगा। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। साथियों, यह वायरल डिजीज़ है तो इसका ट्रीटमेंट हमें कुछ अलग डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा, अलग डोज देनी पड़ेगी। पशु का टेम्परेचर नोट कर ले, सर्वप्रथम इंजेक्शन हमें वहाँ पर लगाना पड़ता है, एक इंजेक्शन हमें दर्द सूजन, अगर ज़्यादा भयंकर स्थिति खराब है तो हमें वहाँ पर दर्द सूजन बुखार का इंजेक्शन ज़रूर लगाना चाहिए,
क्योंकि अगर आप दर्द का इंजेक्शन नहीं लगाते हैं तो पशु बहुत परेशान होता है और पशु यूँ भी खाना पीना नहीं खाता है। तो आप यह कृपा जरूर करें पशु के ऊपर कि आप उसको दर्द की दवा ज़रूर लगा दें। बढ़ते अगले इंजेक्शन की ओर, तो हमें वहाँ पर एंटीबायोटिक इंजेक्शन की सहायता लेनी पड़ती है। अगर हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन नहीं लगाते हैं तो बीमारी और दिन बे दिन आगे बढ़ती जाती है, यानी उसका प्रकोप रुकता नहीं है। हम अगर एंटीबायोटिक लगा देते हैं तो वह एक निश्चित सीमा तक जाके रुक जाती है। अगर एंटीबायोटिक नहीं लगाते हैं तो वह बीमारी पशु के शरीर में और आगे बढ़ती रहती है और उसका प्रभाव बढ़ाती है। लेकिन जब हम एंटीबायोटिक लगा देते हैं तो उस बीमारी के जो भी वायरस, जो भी डिजीज है, जो भी कुछ भी हो, उसके अंडे हो, कुछ भी हो, तो वह आगे नहीं जाएंगे, वह उसको रोकने का काम करेगा। एंटीबायोटिक काम क्या करता है, इधर से कुछ गया तो वो एंटीबायोटिक दवा लगाती है तो बस इसको यहाँ मारने की कोशिश करेगा, ये इसको आगे नहीं बढ़ने देगा। यहाँ पर अगर हम एंटीबायोटिक लगा देते तो ये फ़ायदा होता। तो आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन ज़रूर लगाएं जिससे क्या एक बीमारी आगे ना बढ़े। अब एंटीबायोटिक आप में कुछ भी लगा सकते हैं, आप DCR 5 ग्राम भी लगा सकते हैं या आप सेप्ट्रिक्सम 3 ग्राम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितना अच्छा एंटीबायोटिक लगाएंगे उतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप सेप्ट्रिक्सम लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप एक अच्छी कंपनी का एविल इंजेक्शन लगाएं, जेनरिक का कोई सेपियम ना लगाएं, अच्छी कंपनी का एविल लगाएं, जिससे क्या बहुत एलर्जी नहीं होगी पशु को और यह बीमारी आगे नहीं जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको वहाँ पर ज़रूरत रहती है लीवामाइसोल इंजेक्शन की। अब मैं यहाँ पर लीवामाइसोल इंजेक्शन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यह वायरस है और वायरस में पशु की इम्यूनिटी का बढ़ना बहुत ज़रूरी, और वायरस सबसे ज़्यादा पशु की इम्यूनिटी को ख़राब करता है। तो उसकी इम्यूनिटी एकदम से बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर लीवामाइसोल इंजेक्शन लगाना चाहिए, और यह बड़े पशुओं में आप 15 से 20 ml सबकट इंजेक्शन लीवामाइसोल लगा सकते हैं। अगर पशु की ज़्यादा स्थिति ख़राब हो तो आप वहाँ पर ड्रिप की सहायता भी ले सकते हैं। ड्रिप में विटामिन B12, न्यूरोकाइन जैसे इंजेक्शन भी आप उसमें मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, रही बात है, आप इस बीमारी में या तो डेक्सोना या विटालोक या प्रेडनिसोलोन या आइसोफ्लूड, इन चारों इंजेक्शनों में से एक इंजेक्शन कोई सा भी आप ज़रूर लगाएं, जिससे पशु 100 में से 100% ठीक होने के पशु के चांस रहते हैं। अगर आप ये इंजेक्शन नहीं लगाते हैं तो पशु के ठीक होने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो आप इन सब में से एक इंजेक्शन आप ज़रूर लगाएं ताकि अच्छा आपको रिजल्ट मिल सके। तो साथियों, हमारे चैनल पर पशुपालन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हम आपके लिए लेकर आते हैं, और ऐसे और वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।